मेरे ख्याल में ऐसा काम तो पाकिस्तान में भी ना हो गया जैसा 15 बार डील हुए। शहर के विकास को लेकर नगर पालिका में बैठक खरखौदा। सोमवार को नगर पालिका खरखौदा कार्यालय में पार्षदों ने शहर के विकास को लेकर बैठक की। नपा अध्यक्षा कमला देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में खरखौदा विधायक जयवीर सिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में कोई कमी न रखी जाए और योजना तैयार की जाए ताकि सरकार से बजट की मांग की जा सके। उन्होंने पार्षदों को भी वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की लिस्ट देने को कहा ताकि उन पर काम करवाया जा सके। नपा अध्यक्षा कमला देवी की अगुवाई में आयोजित बैठक में विधायक ने अंबेडकर पार्क को लेकर सवाल उठाया तो नगर पालिका सचिव पवित्र गुलिया ने 3.25 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिए जाने की बात कही। इस दौरान अन्य पार्षदों ने कहा कि नपा जो काम करवा रही है उनकी डिटेल कार्यालय में चस्पा दी जाए ताकि पार्षदों को इसकी जानकारी रहे। इसके साथ ही शमशान घाट में शुरू किए गए विकास कार्यों के अधूरे पड़े होने पर भी सवाल उठाए गए और वहां पर काम नहीं करने वाले ठेकेदार का टेंडर रद्द करने की मांग की। पार्षदों ने इस दौरान शहर में लाइटें न लग पाने के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग विधायक ने की। इसके साथ ही अंबेडकर पार्क की पैमाइश करवाने की मांग पार्षदों ने उठाई। वार्ड 15 पार्षद आजाद सिंह ने कहा कि बीते 4 वर्ष में उनके वार्ड में नगर पालिका ने 1 रुपया भी नहीं लगाया है, वार्ड को अवैध बताकर काम नहीं किया जा रहे है। इस दौरान पार्षदों ने शहर में बंदरों के आतंक को देखते हुए बंदर पकड़वाने की मांग भी रखी। सारे वैध ना हो रहे हैं।
अगर किसी ने इतराज हो भाई इस वार्ड में काम करने के लिए तो मैं आप सबने मेरे दस्तखत कराते हैं। मैं उपायुक्त को जिले के लिए आ रहा है दरखास्त। आज वर्ष 2018-2022 को एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें माननीय विधायक जी और हमारे चेयरपर्सन ममता जी की अध्यक्षता में 14 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ समस्याएं लाइट की और सफाई की थी, सभी वार्ड पार्षदों के उसके संज्ञान लिया गया है जिसको जल्द ही समाधान किया गया। कमिश्नर साहब से डिस्कस करके वर्षा ऋतु से पहले सभी नाम की सफाई करवाई जाएगी। लाइट का रिपेयर मेंटेनेंस ठेकेदार को बुला के सभी समस्याओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। सभी वार्ड पार्षदों से उनकी समस्याएं और उनके कामों का एस्टिमेट डिटेल वगैरह हमने ले ली है जिसके डिमांड सरकार को भेजी जाएगी। वर्तमान समय में हमारे पास 4.5 करोड़ रुपये का बजट है हमारे कोष में। इसके अतिरिक्त जो भी वार्ड पार्षदों की डिमांड है उसी के अनुसार हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे बजट मांगेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।